बेटा, आज हमारा किस चीज का पीरियड है? ड्राइंग का। ठीक है, तो कल बेटा मैंने आपको रेक्टेंगल शेप करवाई थी, है ना, ड्रॉ करना बताया था आपको, और आज मैं इसमें आपको कलर करना बताऊंगी। तो सबसे पहले ये बताएंगे मेरे को कि कौन सा कलर है। ये डार्क ब्लू कलर है और ये मैंने आप करने स्टार्ट करूंगी यहाँ पे। तो ये देखो ऐसे करने हैं आपने, ये रेक्टेंगल शेप जो बनानी है, तो कोई भी रेक्टेंगल शेप की थिंग्स रख के आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और ये देखो एक साइड से आपने कलर करने लगना है। आपने इसको बाहर नहीं रखना है, बाहर नहीं निकालना है, आउटलाइन से बाहर नहीं निकालना है। ये देखो अब हो गया, अब ऐसे नीचे आते जाना है आपने। ठीक है, ये देखो आराम से करेंगे, बाहर कोई कलर नहीं निकालेगा और वाइट नहीं छोड़ेगा बीच से। ठीक है, हाँ इतनी कोशिश करनी है कि एक ही बार जैसे जैसे आप कलर करते जाएंगे तो इसमें वाइट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और यदि रहता है तो फिर साथ साथ में उसको अच्छी तरह से कर देंगे। ये नहीं है कि पूरे इसमें कलर कर दो फिर आप वापस जो है वो बाद दोबारा फिर से करेंगे उसमें, वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आपने ऐसे आराम से कलर करना है। आपको मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आपने इसको बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, कलर यदि और लाइन से बाहर निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने इसके बीच बीच में कलर करना है जो आपने ये बॉक्स बनाया था कल। ठीक है, आप आराम से इसको देख लो, फिर कल मैं आपको इसकी वर्कशीट दे दूंगी। ठीक है, तो ए सेक्शन और बी सेक्शन मैं दोनों को आपको बोल रही हूँ कि सोमवार मतलब मंडे ट्यूसडे को आपको मैं वीडियो भेजा करूँगी, और वेडनेसडे को आपने जो आपको वर्कशीट दी होगी उसमें आपने कलर करने हैं। ठीक है, हाँ जी, है ना बेटा। यहाँ ये देखो ऐसे करते रहना है आपने इसको, कलर को अच्छी तरह से। ठीक है, ये देखो कहीं भी देखो आपको दिखाई दे रहा है, कहीं वाइट नहीं ना दिखाई दे रहा है, पूरे का पूरा मैंने कर दिया है। वैसे ही आपने भी ऐसे ही कलर करना है अच्छी तरह से। ठीक है, तो बेटा ओके, बाय बेटा।